सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। भाई मुझे तो लगता है ना, इस आदमी से शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बताओ, घर के भी काम करूं, बाहर के भी काम करूं, और इन जनाब को कलेक्ट्री करनी है। आई एम श्योर 2-4 दिन की गर्मी होगी, बाद में सारी कलेक्ट्री झड़ जाएगी। हाय हेलो, हाय बेबू, हाय। कॉफी पियोगे? नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का कोई हक नहीं है। आई डोंट डिजर्व इट। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी कॉफी में ऐसे कौन से सुरखा आपके पर लगे हैं? नहीं अनु, तुम नाराज हो ना मुझसे, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो कभी कामयाब हुआ ही नहीं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाओ, और इनफैक्ट अच्छे से जॉब भी पकड़ लो। तो तुम्हें मेरी कलेक्टर की पढ़ाई से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है, अगर सारी चीजें बैलेंस्ड रहे तो। इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी कि मेरा हस्बैंड कलेक्टर बन गया है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, प्राउड होगा तुम पर। आज तुमने ये बोल के मुझे बहुत खुश कर दिया। 3-4 दिन से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि तुम जलती हो मुझसे, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कान टेली में गदगद हो गया हूँ, मैं एकदम से भर गया हूँ। दस अनु, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कल्टर बनने के बाद मैं दुनिया जहान की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बाय गॉड, आई मार्क माय वर्ड्स। वो लेकिन वो तो तुम बिना करेक्टर बने भी कर सकते हो। बताओ नु, बताओ, यू टेल मी, ऐसा क्या कर दूंगा तुम खुश हो जाओ अभी के अभी? बताओ मुझे, विभूत, बोलो बोलो, नहीं बोलो, प्लीज टेल मी, डोंट बी हेसिटेंट, डोंट बी हेसिटेंट, प्लीज टेल। बेबी तुम्हें तो पता है कि मेरी खुशियां तो बहुत छोटी छोटी चीजों में है, जैसे कि सिंक में गंदे बर्तन है, तुम वो धो दो, ऊपर बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हुए 3-4 दिन के हो गए, प्लीज वो धो दो, और आंगन कितना गंदा पड़ा हुआ है तुमने देखा नहीं क्या, इतने दिन से गंदा पड़ा है, वो भी साफ कर देना, और खाना जल्दी बना देना, मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है। तुम्हें बैलेंस नहीं चाहिए, तुम्हें काम वाली चाहिए, काम वाली। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत, डायरेक्टली बोल देती, रामू काका धंधे पे लग जाओ तो लग जाता। रामू काका धंधे पे लग जाओ। हेलो, यू आर नॉट चेंज। जोर का झटका है, जोरों से लगा। अरे मैंने ऐसा क्या बोला? बैलेंस की बात कर रही थी। मतलब उल्टा जवाब देकर गया है मुझे कि मैंने इसे घर की काम वाली समझ रखा है। मैं इतना काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, और घर के 2-4 काम उसको बोल देते हैं तो क्या बिगड़ जाता है? ये कोई बात होती है? कैसे होगा इतना सब कुछ समाय? अरे तिवारी जी, हेलो अभी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। क्या बात, आप किचन में? वो आपके बनुआ नौकर नजर नहीं आ रहे जी? नहीं मतलब क्या, भभूती जी ने आपको फिर से लटका दिया? क्या बताऊं तिवारी जी, वो तो रोज ही लटका रहा है। मुझे ना फिलहाल आपकी मदद की जरूरत है। अरे भाभी जी क्या बात कर दी, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो जान हाजिर है। तिवारी जी, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, I don't need you, Jan. If you don't mind, I need your services. मुझे आपकी सेवाओं की जरूरत है। कहिए भाभी जी, किस तरह की सेवाएं आपके लिए अर्जित करें? इतना सब कुछ सामने है आपके, सब फैला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। बस यही सब? ये तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो फिर शुरू हो जाइए, बस यही सब है जो काम है। तिवारी जी एक बार बताइए, आपकी बैक तो स्ट्रॉन्ग है ना, मजबूत है ना? अरे बिल्कुल भाभी जी, भभूती जी से ज्यादा मजबूत है हमारी बैक। ग्रेट, फिर तो आप आंगन में बहुत अच्छे से धो पाएंगे। तो बर्तन साफ करने के बाद ना प्लीज आंगन में धो दीजिएगा, उसके बाद ना ऊपर बाथरूम में बहुत सारे कपड़े ऐसे भिगो के रखे हुए हैं, तो बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, और गंदे कपड़े आप प्लीज
उनको भी धो दीजिएगा हाँ। एंड तिवारी जी, जी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग मी दिस फेवर। मैं आपका ये एहसान अब जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे भाभी जी, इसमें एहसान की क्या बात है, हम क्या आपके नहीं हैं जी? मतलब आपके अपने ही तो हैं। यू आर सो स्वीट तिवारी जी। बस अब शुरू हो जाइए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जी। हाँ, फटाफट आइए। अरे बोलो, सीधे रास्ते से आइए ना। अच्छा हाँ, करके बताइएगा। अब तिवारी जी, कांच के बर्तन टूटे तो आपसे भरपाई लूंगी। गई भैंस पानी में। तिवारी जी, रगड़ रगड़ के धोइएगा, नहीं तो मिट्टी के दाग नहीं निकलेंगे। भाभी जी ने तो हमें नौकर बना के रख दिया, चाय कॉफी तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने तो पूरा आंगन ही धुलवा लिया। बताइए, अनीता जी का आंगन काहे धो रहे हैं? नहीं पगली, नहीं काका, मत बोले, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके हाथ में झाड़ू है, वो जो है बगल में बाल्टी है पानी से भरा हुआ, वो आप अपने हाथ से धो ना ही रहे का? ओहो, एक मिनट पगली, हम तुम्हें तनिक पूरा वृतांत सुनाते हैं। काहे कि भाभी जी जो है ना, ये आंगन साफ करने के लिए आई, तो हम जो है तनिक यहीं बैठे थे, तो हमें लगा कि भाभी जी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, तो हम जो है वो एकदम से तनिक उठे घर जाने के, तो जैसे ही उठे तनिक एकदम से लचक सी आ गई। हाय दिया, पर अब आपका हुआ कि ना ना उठा जाए ना झुका जाए, ना उठा जाए ना झुका जाए, तो फिर भाभी जी को हम पे तरस आ गया। भाभी ने तनिक अपने किसी वो फिजियोथेरेपिस्ट को फोन किया, तो उसने जो है कहा कि आंगन साफ करते रहो, है ना, तो ऐसे 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 आंगन साफ होगा तो अच्छा रहेगा, एंड इट इज लाइक एन एक्सरसाइज। आइडिया, कुछ फर्क पड़ा? हाँ तो पड़ा तो है, लेकिन तनिक लचक सी बाकी है अभी। अब आइए ठीक कर देते हैं, आइए आइए हमारे साथ आइए। अच्छा। एकदम ठीक कर देते हैं, आइए। अभी थोड़ा लचक बाकी है ना। हाँ, रुकिए एक मिनट। यही मालिश करना चाह रही हो पगली? अभी ठीक कर देते हैं, रुकिए। चलो अच्छा, इसी बहाने पगली मालिश कर देगी। ये लीजिए, अब पकड़िए। ये का पगली? है कि वो साइकोथेरेपिस्ट बोले रहे ना आपको कि इट इज एन सेक्सुअलाइज। कुछ भी बोलती फिजियोथेरेपिस्ट बोले रहे कि इट इज एन एक्सरसाइज, ऐसे ही पकड़े हैं। तो भाई, तो अभी आप बोले रहे ना लचक बाकी है, तो आपको ये वाला आंगन धोएंगे ना तो बचा कुचा लचक भी निकल जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। तुम बिना पगली थोड़ा नीचे झुकिए। हाँ, अब ऐसे हाथ को फैला फैला के कीजिए। वेरी गुड। पानी और डालिए। God, God, ये तू बार बार मेरी परीक्षा क्यों ले रहा? God, मैं अब जिंदगी से बेजार आ चुका हूं, या तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे या फिर मेरी जान ले ले। God, अब मुझसे अपमान का घूंट नहीं पिया जाता। ये मोहल्ले वालों के ताने तीर की तरह मेरे सीने को छल्ली कर रहे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू नहीं कायर है कोई, तू नहीं डरपोक है,
तू अपने पेरेंट्स का बहुत बोरिंग जोक है, तुझको जाना है तो जा, क्यों शोर करता है भला, तू तो आवारा है बंदे, तुझ पे ना कोई रोक है ना कोई टोक है, दे दिया है तूने चूरन बहुत लोगों को यहाँ, अब तो कर ले कुछ तो कर ले, दो घड़ी की मौज है। ये आप मुझे कविता सुना रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरने की बजाय आप मेरे अंदर टॉक्सिसिटी भर रहे हैं, टॉक्सिक कर रहे हैं मेरी जिंदगी को। और अरे भैया, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक नंबर के ढीठ आदमी हैं, समझे? आपके अंदर का जो जमीर है ना, उस जमीर को गालियों, तंजों और तानों का सहारा लेकर ही जगाया जा सकता है। आपके अंदर का जो जमीर है वो घोड़े बेचकर सो रहा है। आपके चरित्र के फोटो पर नल्लेपन और नाकामी की धूल जमा हो गई है भैया। आपकी शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर कोई सुबह सुबह देख ले तो दिन भर उसे खाना नसीब ना हो। अगर तूने एक लफ्ज भी और निकाला ना, मैं तेरी जबान खींच के तेरे गले में टाई बांध दूंगा, समझा? तो शाबाश भैया, वेरी गुड। यही आग मैं आपके अंदर देखना चाहता था भैया, यही आग। लेकिन ये आग तो मुझे जला के राख कर देगी। नहीं भैया, ये आग अब आपको नहीं जलाएगी भैया, ये आग अब उन लोगों को जलाएगी जो आपसे जलते हैं, ये आग अब उन लोगों को जलाएगी जो आपको जलील करते हैं, समझे आप? लेकिन क्या फायदा सक्सेना जी, इस आग को बरकरार रखने के लिए मेरे पास ईंधन कहाँ है? I have no fuel. आपका मतलब यही है ना कि आपको कोचिंग कौन देगा? सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे कोचिंग कौन देगा। ये कोई मसला नहीं है भैया, आपको कोचिंग मैं दूंगा। मैं सक्सेना जी, ये जूनियर केजी, सीनियर केजी का एग्जाम नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर बनने का एग्जाम है, समझे? And I don't like this kind of jokes, right? Okay. Actually, भैया, one second. This is not a joke, okay? I'll show you something. ये मेरी डिग्रियां हैं, जरा इन पर गौर फरमाइए। MA Hindi Literature, MA English Literature, PhD History, PhD Geography, PhD Botany, PhD Political Science, PhD Geometry, PhD Algebra, PhD Time Pass. पूरे 4 साल लगाए मैंने टाइम पास की स्टडी करने में भैया। When can we start? Very, very, very soon, actually, right away. And actually, क्या है सक्सेना जी, I generally don't like your face. Know that? आपकी आंखों में ना एक अजीब तरह की गंदगी है. I don't know what is that. Seriously, but I respect it. You're a learned man. आई कोचिंग शुरू करते हैं. Let's go. भैया
आपका टीचर यहाँ बैठा है, कुछ बोल रहा है, ध्यान दीजिए। पीजिए। क्या ये? छिपकली सूप है, पीजिए। No, I will not touch it, no matter what. मैंने पीऊंगा इसको। अगर आप इसको पी लेंगे ना, कभी कुछ भूलेंगे ही नहीं। नहीं, मुझे, मैं am happy with my memory, please. I won't. मैं नहीं पीऊंगा। I said मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। पीजिए। आपको पता नहीं है अमृत पिया है आपने। कुछ भूलेंगे ही नहीं अब आप, इतनी मेमोरी शार्प हो जाती है इससे। यू डिडंट फिनिश इट, फिनिश इट। सक्सेना जी, बहुत देर हो गया खड़े खड़े, खड़ा नहीं हो जा रहा मुझसे। भैया, इस आसन से कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, हाँ? आप प्लीज ध्यान दीजिए इस पे, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, हाँ? सक्सेस चाहिए ना आपको? सक्सेना जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैंने पैर छोड़ दिया? क्योंकि मेरे कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई है और मेरे पीछे दो आंखें लगी हुई हैं। Be in that position. Saxena ji, hamre Saxena bitua. Arey, arey, bhai ma, chain spesh. खुश रहिए, खुश रहिए। कैसन बा? मैं अच्छा हूँ भाई माँ, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा, लेकिन का बताए सच्ची, हमरे बिटुआ आप तो एकदम प्रोसेसर लग रहे हैं। प्रोसेसर? भाई माँ, प्रोसेसर तो मेरे मोबाइल में है, आप प्रोफेसर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप प्रभुति जी हैं का? जी हाँ है भाई माँ। ठीक बा। अरे अरे भाई, देखिए क्या है कि वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अभी करंट अफेयर पे लेक्चर चल रहा था। जो भी है, हमको और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जरूरी काम है बस। एक मिनट भाई माँ, क्या जरूरी काम है? ओ घुइया। घुइया? आई लाइक इट। का है ना बिटुआ कि हम जो है वो घुइया का खीर बना रहे हैं, तो हमको भरभूती जी से उसका विधि पूछना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस। भाई माँ, देखिए घुइया की खीर से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट काम अभी विभूति भैया अंदर कर रहे हैं। ये IAS की पढ़ाई है भाभी माँ, IAS दुनिया की सबसे भयानक पढ़ाई होती है ये। ध्यान जरा सा भी इधर से उधर भटका, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी भाभी माँ, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी, प्लीज। आप हमको गुस्सा दिला रहे हैं सक्सेना जी, हम बोल रहे हैं। भाई माँ, भगवान करे कि आपके गुस्से की गाज मेरे ऊपर गिरे और मुझे जलाकर भस्म कर दे, लेकिन अंदर जो बैठा है वो मेरा छात्र है और इस वक्त आपकी दया का पात्र है, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता भाभी माँ, प्लीज भाई माँ दया कीजिए। आप और आपका छात्र गया घुइया के खेत में, देखिए हम ना आपसे कभी बात ना ही करेंगे। हाँ भाई माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप जो सजा देना चाहें दे सकती हैं मुझे, लेकिन अंदर विभूति भैया जो है ना, वो मेरे छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं भाभी माँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर सक्सेना भी हूँ भाभी माँ। मुझे माफ कर दीजिए, आप नाराज मत होइए मुझसे भाभी माँ। हमसे बात ही ना कीजिए, भूल जाइए कि हम आपकी माँ हैं। मैं आपको भूल नहीं सकता भाभी माँ, नहीं भूल। यू आर प्रोफेसर सक्सेना राइट नाउ। मम्मी,
पीजिए इसको। क्या है ये? ये चूहे का काढ़ा है, इसको पी लीजिए, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। सक्सेस चाहिए ना? हाँ। इज्जत चाहिए ना? हाँ। तो पीजिए। नहीं पीऊंगा, नहीं। अरे नींद नहीं आएगी भैया, पीजिए ना, पीजिए ना, लात के भूत हैं आप। उड़ गई ना?